नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत है। आज मैं आपको बाटी चोखा बनाना बताऊंगी। बाटी चोखा बनारस की पहचान है। और आपको मैं बता दूं, मैं मोस्टली बनारस की ही रहने वाली हूं। और मेरे YouTube चैनल पे आपको बहुत से ऐसे स्वाद मिलेंगे जो सिर्फ बनारस में ही बनाई और खाई जाती हैं। तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर से करिएगा। और आगे आपको बताती हूँ कि बाटी चोखा बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो बाटी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चोखा बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें बैंगन और टमाटर को भूनना पड़ेगा और आलू को हम उबाल लेंगे प्रेशर कुकर में। बैंगन भूनने से पहले हम इसमें छेद कर लेंगे। ये मेरा गैस तंदूर है, इसी में ही मैं अपने बैंगन को भूनूंगी। आप चाहे तो गैस के फ्लेम के ऊपर भी बैंगन और टमाटर को भून सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने तंदूर में बैंगन और टमाटर डाल दिए हैं और बहुत ही जल्दी ये भुन जाएंगे। और इसी तंदूर के अंदर ही मैं बाटी बना के दिखाऊंगी। अगर आपके पास ये गैस तंदूर नहीं है तो आप अपनी बाटी प्रेशर कुकर में भी बना सकती हैं। प्रेशर कुकर में बाटी बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर का लीड तो लगाएंगे लेकिन उसकी सीटी नहीं लगाएंगे, सीटी को निकाल देंगे और आपकी बाटी काफ़ी अच्छी उसमें बन जाएगी। मैं 4 से 5 लोगों के हिसाब से चोखा तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए जो बैंगन है उसी हिसाब से मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने आलूओं को उबाल लिया है और मेरे आलू बड़े साइज़ के हैं तो मैंने अपने हिसाब से ही आलू उबाले हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से किसी भी चीज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैंगन भुनने लगे हैं। इसके अंदर भी हमें इसे घुमा घुमा के सेकना पड़ता है ताकि ये सिर्फ एक तरफ से ही ना पके, पूरी तरह से अच्छे से बैंगन हमारा टमाटर सारे पक जाए। जैसे ही ये सारी चीज़ें पक जाएंगी मैं आपको बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैंगन और टमाटर अच्छे से भून गए हैं और आलू को मैंने पहले ही प्रेशर कुकर में उबाल लिया था। और जब तक हमारा बैंगन भून रहा था हमने अपना चोखा बनाने के लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। बाटी बनाने का आटा बिल्कुल ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो इसका आटा ऐसा बनाना है जैसा कि हम पूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल सख्त आटा बनाते हैं, वैसा आटा तैयार करना है। और आटे में हमें कुछ भी नहीं डालना है। चोखा बनाने से पहले हमें बैंगन और टमाटर को साफ करके रख लेना है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने साफ कर ली हैं। अब मैं अपना चोखा बनाऊंगी। चोखा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें मैं डालूंगी। और फिर मैं एक चम्मच की सहायता से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हमारा चोखा बस तैयार ही होने वाला है। अब इसमें हम एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल कच्चा ही जाएगा इसमें। और स्वाद अनुसार नमक, आप जितना भी नमक खाते हैं उतना नमक इसमें डाल सकते हैं। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चुटकी हींग जाएगी। सभी आप देख सकते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा चोखा बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चोखा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इससे खाने के लिए बाटी बनाएंगे। तो बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने तंदूर को गर्म करेंगे और हमारा आटा पहले से तैयार रखा हुआ है। तो जल्दी से फटाफट मैं अपने गैस तंदूर को गर्म करती हूँ और उसमें गर्मा गर्म बाटी बना के आपको दिखाऊंगी कि बाटी चोखा बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मेरा तंदूर थोड़ी ही देर में गर्म हो जाएगा
और ये मैंने बाटियाँ बना ली हैं, छोटी छोटी गोलियाँ बना ली हैं, और इसे मैं तंदूर में डाल दूँगी और दिखाऊंगी कि तंदूर में डाल दूँगी। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने का तरीका ये है कि आप उसमें ये आटे की लोइयाँ रख दीजिए और उसकी लीड लगा दीजिए, लेकिन उसका जो सीटी है उसे निकाल दीजिए। कुकर में भी खूब अच्छी बाटी बनेगी, आप बना के देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा तंदूर बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी बाटी डालेंगे। ऐसे आप कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर को पहले थोड़ी देर खाली गर्म करने के बाद उसमें बाटी रखिए और फिर उसकी लीड लगा दीजिए और उसकी सीटी पहले से ही बाहर निकाल दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी बाटी पक रही है, लेकिन इसे भी बीच बीच में घुमाना पड़ेगा, नहीं तो ये एक साइड से पक जाएंगे और एक साइड से कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह से प्रेशर कुकर में भी यही होगा, उसे बीच बीच में घुमाना पड़ेगा, तभी हमारी अच्छी बाटी बन पाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बाटी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे गर्मा गर्म करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बाटी चोखा तैयार है बिल्कुल, और इसको खाने के लिए से पहले हम इसमें देसी घी लगाएंगे। काफ़ी अच्छे से मेरी बाटी हो चुकी है। अभी हमारा देसी घी लग गया है और ये हमारा बाटी चोखा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, बाटी चोखा बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे इसके लिए बेल बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा। और मेरा ये सारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। Through the sun rays.